लोटस जो कविता थी, मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था, इसके राइटर के बारे में मैंने आपको बताया था कल, लेकिन कविता के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन मैंने इतना बताया था कि लोटस क्या है, लोटस की इंपॉर्टेंस क्या है। आज अपन जो बात कर रहे हैं इस कविता के बारे में, लोटस को सर्वश्रेष्ठ फूल माना गया है इस कविता के अंदर। पहले तो मैं इस कविता का आपको मतलब बताता हूँ, क्या मतलब है इसका, उसके बाद मैं इसको एक एक लाइन को ट्रांसलेट करूंगा। ध्यान से सुने आप, लव जो होता है, लव तो सब समझते होंगे आप। अच्छा, तो लव एक बार जो लव होता है, जो प्यार का जो देवता होता है, वो वनस्पति की देवी के पास जाता है। पहले कहानी सुन लो आप। और वो जाकर के उससे कहता है कि हे देवी, अच्छी तरह सुनना ध्यान से, जैसे कि एक्सप्लेनेशन इजी हो आपके लिए। वो जाके कहता है कि हे देवी, मुझे एक ऐसा पुष्प दो, मुझे एक ऐसा फूल दो जिसके ऊपर कोई विवाद ना हो, जो निर्विवादित रूप से फूलों की रानी हो। ये वो कहता है वनस्पति की देवी से जाकर के। वनस्पति की देवी का मतलब वो देवी जो संसार में जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे फल फूल हैं, उन सब की देवी, उनकी रानी। उनसे जाके कहता है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जिसके ऊपर किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। लेकिन उस समय क्या हो रहा होता है उस वनस्पति की दुनिया में, दो फूल होते हैं, एक तो होता है लिली और एक होता है रोज, और उन दोनों में आपस में एक झगड़ा होता है। यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी होते हैं, दोनों में एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन इस बात का होता है कि ज्यादा सुंदर कौन, ज्यादा श्रेष्ठ कौन, इस बात का दोनों में झगड़ा होता है। एक प्रकार का दोनों में एक कंपटीशन होता है। लिली कहता है, लिली कहती है कि मैं ज्यादा अच्छा, रोज कहता है कि मैं ज्यादा अच्छा। इस बात के लिए दोनों में एक प्रतिद्वंदिता होती है। और बड़े बड़े कवियों ने भी इन दोनों पुष्पों के बारे में उनके दावे जो हैं, दावा कि भाई मैं ज्यादा अच्छा हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूं, इस दावे को लेकर के कई कवियों ने भी कई कविताओं में लिखा है उनके बारे में। और कुछ कवियों ने तो ये भी लिखा है कि जो गुलाब होता है, जो रोज होता है, वो कभी भी लिली के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि लिली जो होता है वो बड़ा सुंदर पुष्प होता है, गुलाब से भी ज्यादा सुंदर होता है, ऐसा कुछ कवियों ने लिखा है। और अब जब ऐसा होता है तो पूरे फूलों के संसार में एक झगड़ा हो जाता है। कुछ पुष्प होते हैं वो रोज के साथ हो जाते हैं, और कुछ होते हैं वो लिली के साथ हो जाते हैं, गुट बन जाते हैं, दो गुट गुट होते हैं ना, गुट बन जाते हैं। और इस प्रकार से एक झगड़ा हो जाता है साहब। अब बड़ा झगड़ा हो गया, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाता कि कौन ज्यादा अच्छा। तो वनस्पति की देवी कहती है प्यार के देवता से कि देखो भैया, यहां तो झगड़ा चल रहा है बहुत जोरदार वाला, अभी तो तुमको कैसे बताएं हम। गुलाब कहता है कि मैं ज्यादा अच्छा, लिली कहती है कि मैं ज्यादा अच्छा, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तुमने कहा है कि मुझे ऐसा फूल दो जिसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं हो, लेकिन यहां तो दोनों ही झगड़ रहे हैं, कैसे बताऊं। तो प्यार का देवता कहता है कि तो ऐसा करो, तुम मुझे एक ऐसा पुष्प दो, मुझे एक ऐसा फूल दो जिसके अंदर सुगंध जो हो वो गुलाब के जैसी हो, और दिखने में वो इतना शानदार लगे जैसे लिली। यानी कि कहने का मतलब है वो ये कहता है कि मुझे एक ऐसा पुष्प दो जिसके अंदर दोनों के गुण हो, गुलाब के भी और लिली के भी। गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी होती है और लिली दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर वनस्पति की देवी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम ये बात बताओ मुझे कैसे रंग का होना चाहिए वो फूल। तो प्यार के देवता ने पहले तो कहा कि ऐसा करो, रंग उसका होना चाहिए ऐसा जैसा गुलाब का होता है। फिर उसने कहा, नहीं नहीं देवी,
फिर उसने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की उसने वनस्पति की देवी से, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, ऐसा रंग होना चाहिए उसका जैसा लिली का होता है, सफेद और कुछ हल्का हल्का सा पीला, मतलब खुशबू तो उसकी कैसी हो, सुगंध उसकी कैसी हो, सुगंध उसकी हो जैसे रोज, जैसे गुलाब, लेकिन दिखने में वो कैसा लगे, दिखने में वो लगे जैसे लिली, यानी कि उसका जो रंग हो वो लिली के जैसा हो। तो वनस्पति की देवी ने कहा अच्छा ठीक है, या तो तुम ऐसा करो, प्यार के देवता ने कहा तुम दोनों को दे दो मुझे, दोनों का मिक्स करके दे दो। तो उसने कहा ठीक है। तो वनस्पति की देवी ने उसको कमल का पुष्प दिया, लोटस का फूल दिया, जो उसका रंग जो होता है लोटस का, आप ध्यान से देखना कभी, ना तो एकदम लाल होता है ना एकदम सफेद होता है, हल्का हल्का सा लाल होता है और हल्का हल्का सा सफेद होता है, यानी कि उसके अंदर गुलाब और लिली दोनों के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और तब से ये जो फूल था इसी को फूलों का राजा या फूलों की रानी कहा जाने लगा, और वो लोटस फूल कहलाया, जिसका नाम लोटस यानी कि वो गुलाब और लिली दोनों से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया। समझ में आ गई आपको कहानी इसकी, पूरी पोएम की मैंने आपको कहानी बता दी। अब अपन चल रहे हैं जरा इसकी एक एक लाइन को अपन देख रहे हैं। अब लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड अ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, यानी कि जो प्रेम होता है, जो प्रेम का देवता होता है, वो वनस्पति की देवी के पास आया। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, और उसने उससे एक फूल मांगा, दैट वुड अ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, और उसने कहा कि मुझे एक ऐसा फूल दो जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो। अब देखिए दोनों लाइनों को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। वंस लव केम टू द फ्लोरा विच इज द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब वनस्पति, तो फ्लोरा को मैंने यहां पर कैसे एक्सप्लेन किया, द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन। वंस लव केम टू फ्लोरा, फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ गॉडेस ऑफ वेजिटेशन, सो वंस लव केम टू फ्लोरा द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन एंड रिक्वेस्टेड हर टू गिव ए फ्लावर अबाउट विच देयर इज नो डिस्प्यूट, अबाउट विच देयर इज नो क्वारल, द लिली एंड रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। अब वहां पर दो पुष्प थे, एक तो लिली और एक रोज, और काफी लंबे समय से दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन था। देयर वर टू फ्लावर्स लिली एंड रोज एंड फॉर द लॉन्ग टाइम देयर वॉज अ क्वारल, देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन दोज, बिटवीन दैम, बिटवीन दैम मीन्स बिटवीन रोज एंड लिली, देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन रोज एंड लिली and they both claimed, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, and each claimed that it was the best, means the rose claimed that it was the best and the lily claimed that it was the best, both claimed that they have the highest place in the world of flowers, so there was a quarrel between them. Bards of power had sung their claims. Bards of power का मतलब a lot of poets, a lot of powerful poets,
बहुत सारे कवियों ने हैड संग देयर क्लेम्स, उनके दावों को अपनी अपनी कविताओं में लिखा। अ लॉट ऑफ पावरफुल पोएट्स हैड रिटन अबाउट दोज फ्लावर्स इन देयर पोएम्स। सम पोएट्स सेड, सम पोएट्स रॉट दैट द रोज वॉज बेस्ट एंड सम पोएट्स सेड दैट द लिली वॉज द बेस्ट एंड सम पोएट्स सेड दैट द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विदर जूनो मीन। और कुछ कवियों ने तो यह भी लिखा कि जो गुलाब का जो फूल है वो कभी भी लिली के बराबर नहीं हो सकता है। मीन्स सम पोएट्स रॉट दैट द फ्लावर ऑफ रोज कैन नेवर टेक द प्लेस ऑफ लिली। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सम पोएट्स सपोर्टेड द क्लेम ऑफ लिली saying that lily has the highest place in the world of the flower because lily is the most beautiful flower and rose cannot get the place that the lily had। So they said that lily is lovelier than rose। तो उन्होंने कहा कि भाई जो लिली है ये जो है वो गुलाब से ज्यादा सुंदर है। Thus between flower faction rang the strife in Sykes Bower। और भैया इस प्रकार से between flower faction फूलों के एक ग्रुप में, फूलों का भी ग्रुप बन गया साहब, गुट बन गया, होता है ना गुट बन जाते हैं क्लासेज में भी, कई बार बन जाते हैं बच्चों के गुट। सर ये लाइन रिपीट करना सर, समझ में नहीं आया। कौन सी सर अभी जो आपने बताया, आप बोलो कौन सी लाइन है, मैंने तो बहुत सारी लाइनें पढ़ दी, जो लाइन आपको समझ में नहीं आई आप वो बोलो। सर अभी जो जस्ट पढ़ी थी आपने, नहीं आप बोलो सर, आप सर बुक नहीं है, मैं तो अभी गाँव में हूँ। ओहो, दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन, बिटवीन का मतलब बीच में और फ्लावर फैक्शन का मतलब फूलों के गुट, फूलों के गुटों के बीच में रैंग द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब झगड़ा, एक झगड़ा हो गया इन साइक्स बावर। इन साइक्स बावर का मतलब जो लता मंडप होता है, समझ गए आप, हमारे एक मानव की जो आत्मा होती है, मानव का जो मन होता है, उस मन के अंदर, उसके अंदर जो लता मंडप होता है उसमें एक झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का हो गया भैया, झगड़ा इस बात का हो गया कि मैं कौन ज्यादा गुलाब अच्छा और लिली अच्छा, गुलाब अच्छा और लिली अच्छा। तो अब चलिए इसको अपन इंग्लिश में एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो दिस वे द ऑल द फ्लावर्स मेड टू ग्रुप्स, वन ग्रुप वाज विद रोज एंड द अदर ग्रुप वाज विद लिली एंड देयर वॉज ए क्वारल बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। वन ग्रुप सेड दैट रोज इज बेटर एंड द अदर ग्रुप विच सपोर्टेड लिली सेड दैट लिली इज बेटर। सो देयर बिकेम अ क्वारल, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सो अ क्वारल टुक प्लेस बिटवीन द टू ग्रुप्स of the flowers। Now, अब ये बड़ा मुश्किल हो गया, it was not possible to decide which flower is better, which flower is undisputed। अभी आवाज किस किस को नहीं आ रही? सर आवाज तो आ रही है, आ रही है, आ रही है, बस आ रही है तो जिसके साफ नहीं आ रही है। किस 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 को नहीं आ रही साफ, रुचिका यस सर आ रही है आवाज, यस सर बिल्कुल क्लियर आ रही है, यस सर अमन
आ रही है। अच्छा बस तो ठीक है फिर, जिसको नहीं आ रही है उसके नेट का इश्यू है कुछ। सो व्हेन इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड विच फ्लावर इज द बेस्ट अपॉन विच देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो क्वारल, देन द गॉडेस ऑफ फ्लोरा, द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन सेड टू द लव दैट नाउ व्हाट कैन आई डू, प्लीज टेल मी विच फ्लावर डू यू वॉन्ट। सो देन द लव रिक्वेस्टेड द फ्लोरा, रिक्वेस्टेड द गॉडेस ऑफ वेजिटेशन दैट प्लीज गिव मी अ फ्लावर विच हैज विच इज एज स्वीट एज रोज, विच हैज अ फ्रेग्रेंस लाइक रोज एंड विच लुक्स ब्यूटिफुल लाइक अ लिली। मीन्स द लव रिक्वेस्टेड द फ्लोरा टू गिव हिम अ फ्लावर विच हैव द क्वालिटी ऑफ बोथ रोज एंड लिली। देन द फ्लोरा आस्क्ड, तब फिर फ्लोरा ने पूछा, अच्छा कैसा रंग चाहिए आपको, बट ऑफ वॉट कलर, कैसे रंग का पुष्प चाहिए। तो वेन द फ्लोरा आस्क्ड द लव टू टेल द कलर, सो देन लव रोज रेड लव फर्स्ट चोज। तो पहले तो लव ने क्या चुना कि अच्छा एक गुलाब के जैसा लाल उसका रंग होना चाहिए। सो देन लव फर्स्ट सेड टू गिव अ फ्लावर विच इज रेड लाइक रोज, बट देन आफ्टर थिंकिंग ही रिक्वेस्टेड, ही प्रेड टू फ्लोरा, उसके बाद उसने फिर प्रार्थना की, देन प्रेड, फिर प्रार्थना की, नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड। उसने कहा नो नो, नहीं नहीं रंग तो तुम ऐसा करो, तुम मुझे लिली के जैसा रंग का फूल दे दो, गिव मी द फ्लावर विच हैज द कलर ऑफ लिली। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन दो चार शब्दों को। गिव मी अ फर्स्ट ही सेड दैट गिव मी अ फ्लावर विच हैज द कलर ऑफ रोज, एंड देन आफ्टर सम टाइम ही रिक्वेस्टेड अगेन टू द फ्लोरा एंड सेड दैट नो आई डोंट वॉन्ट द फ्लावर विच हैज द कलर ऑफ रोज, बट प्लीज गिव मी द फ्लावर विच हैज द कलर ऑफ लिली, बट देन सेड ओ नो गिव मी बोथ, बोथ मीन्स गिव मी अ फ्लावर विच हैज बोथ कलर्स, बोथ कलर्स मीन्स द कलर ऑफ रोज एंड द कलर ऑफ लिली। देन फ्लोरा सेड ओके, एंड देन फ्लोरा brought a flower of lotus and the goddess of vegetation, the goddess of flora, the flora gave the flower of lotus to love. And you know that the flower of lotus is not entirely red and is not entirely white, but it has both the colors, it has both red and white colors. Yes sir. And so aur is prakar se the queenliest flower that blows, aur is prakar se jo sabse zyada sundar phool tha, jo ek rani ke saman phool tha, wo aaj bhi khilta hai, and this way the lotus has become the queen of the flowers since that day, उस दिन से। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पोएम। फिर भी आपकी कोई बात है तो नाउ यू कैन आस्क मी। अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिए पोएम को, साइलेंट रीडिंग कर लीजिए, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। हरी अब सर, हाँ बोलो। जूनो मीन का मतलब क्या है? जूनो मीन बेटा, जूनो मीन जो है ना, ये एक देवता होता है, उसकी पत्नी है जूनो, और ये बड़ी सुंदर होती है। जूनो मीन जो होती है बेटा, ये एक देवता होता है, जुपिटर देवता होता है एक,
जिसको वर्षा का देवता भी कहा जाता है, और उसकी पत्नी का नाम है जूनो, और ये बड़ी सुंदर होती है बेटा, मतलब ये बहुत सुंदर होती है, इसके जैसा रंग दिखाई देता है लिली के फूल का। और बोलिए, पूछिए आप आराम से। शाबाश, यस, हरी अप, पूछते रहिए आप। सर बार्ड्स मतलब बार्ड्स का मतलब पावरफुल पोएट्स, बार्ड्स का मतलब पावरफुल पोएट्स। लॉन्ग लॉन्ग हेड बीन लॉन्ग लॉन्ग हेडबीन तो बेटा बहुत लंबे समय से चल रहा था, लॉन्ग लॉन्ग हेडबीन का मतलब बहुत लंबे समय से चल रहा था, चल रहा था, क्या सर। चल रहा था? झगड़ा, देयर वाज अ क्वारल बिटवीन सर बिटवीन रोज एंड लिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, समझ गए आप? बोलो बोलो। रिवेंज रिबेल, रिबेल का राइवल का मतलब होता है बेटा प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर्स। सर द रोज कैन नेवर टावर का मतलब मतलब रोज कैन नेवर टावर का मतलब रोज कैन नेवर गेट अ हाइट लाइक लिली, मतलब रोज कभी भी उस ऊंचे स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है सुंदरता के मामले में जो स्थान लिली को मिला हुआ है। ये कुछ कवियों ने लिखा था, सम पॉइट्स हैड रिटन दैट रोज कैन नेवर गेट द हाईएस्ट प्लेस ऑफ ब्यूटी दैट लिली हैड गॉट। क्लियर? पूछ तो पूछे, पूछते जाइए आप, पढ़ते जाइए फटाफट, पूछते जाइए आप। लेकिन सर अभी भी सब रोज ही लेके जाते हैं हर बार। हाँ, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग यार, ये दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ पोएम पोएट, दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ पोएट। राइवल्स का मतलब राइवल्स का मतलब कॉम्पिटिटर, प्रतिद्वंदी। स्टेटली का मतलब क्या है? शानदार, ग्रैंड इन मैनर, बहुत टावर अच्छी में दिखने वाली, लुकिंग वेरी गुड, वेरी गुड। पूछते जाओ, पूछते जाओ, पेंसिल से लिखते जाओ मीनिंग। टावर शाबाश। में सर साइक्स टावर का मतलब ऊंचा, ऊंचाई। सर साइक्स बावर का मतलब हमारे मन का, हमारे मानसिक अवस्था का जो लता मंडप होता है। साइक्स सर लता मंडप क्या होता अरे, लता मंडप वो होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे गार्डन टाइप नहीं बगीचा होता है, जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए बगीचा होते हैं। हाँ, बहुत सारी बेलें लगी हुई होती हैं, बहुत सारे फूल लगे हुए होते हैं, वो लता मंडप होता है। सर प्राइड प्राइड का मतलब गर्व, स्ट्राइफ मीन्स है स्ट्राइफ मीन्स सर झगड़ा, क्वारल। देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ द फ्लावर्स, वन वॉज सपोर्टिंग टू रोज एंड अदर वॉज सपोर्टिंग टू लिली। तो जब दो दो जब गुट बन जाते हैं तो झगड़ा हो जाता है ना, दैट सर डाइट मतलब डाइट का मतलब रंगा हुआ होना, कलर्ड। यस, हरी अप। स्टेटली मीन सर स्टेटली मैंने बताया अभी, बहुत शानदार, लुकिंग वेरी गुड। पेन लिली विद हर जूनो मीन्स मैंने बताया ना अभी, यानी कि लाइक द, कौन सी लाइन है, लाइक द पेल लिली, यानी कि जो लिली का फूल होता है बेटा उसमें हल्का सा पीला रंग भी होता है, और वो लाइक द पेल लिली विदर जूनो मीन, विदर जूनो मीन का मतलब यहां पर ये कि वो एक ऐसा लिली का पुष्प, लिलीज फ्लावर लुक्स जस्ट लाइक जूनोमीन, जूनोमीन हु इज जूनोमीन, जूनोमीन इज द वाइफ ऑफ जुपिटर, जुपिटर इज अ गॉड, यानी कि जुपिटर की पत्नी का नाम है जूनोमीन, और वो बहुत सुंदर है। तो यहां पर एक कवि ने एक उपमा दी है यहां पर, कि जो लिली का फूल है वो कैसा दिखता है, सुंदरता के मामले में ऐसा दिखता है जैसे जुपिटर की वाइफ जूनोमीन दिखाई देती है, मतलब कुल मिलाकर के कहने का ये कि वो उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है
उसका उसकी उपमा दे करके। हाँ सर रोज डाइड एंड लिली वाइट। यानी कि लाल रंग उसका, जो उसका फूल है गुलाब का, उसका रंग कैसा है? गुलाब के जैसा लाल और लिली के जैसा सफेद। पूछो पूछो पूछो, शाबाश। सर ब्लोज मीन्स ब्लोज क्या स्पेलिंग है भैया, कहां से पढ़ लिया है? ब्लोज, सर BLOW हाँ ब्लोज, खिलना। यहां पर आप एक काम और कर सकते हैं, जो लव है ना, ये लव को हमने कहा है प्यार का देवता, लव मीन्स द गॉड ऑफ लव, इसको आप इसके ऊपर लिख लीजिए, लव के ऊपर लिख लीजिए आप क्यूपिड, CUPID। क्यूपिड मीन्स प्यार का देवता, प्रेम का देवता, ठीक है ना। क्यूपिड जो है वो जैसे फ्लोरा है, वनस्पति की देवी है, वैसे ही जो क्यूपिड है, मीन्स क्यूपिड मीन्स द गॉड ऑफ लव, ठीक है। इसको आप लिख लो अपने ऊपर, लव जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप लिख लो क्यूपिड, और क्यूपिड के आगे लिख लो आप द गॉड ऑफ लव। हो गया, देख लो देख लो और देख लो। ओके ठीक है।